प्रेगनेंसी का 8वां महीना, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में 31, 32, 33, 34 वीक्स आ जाते हैं। इस समय बेबी करीब 16 से 18 इंच लंबा होता है और उसका वेट करीब 1400 से 1800 ग्राम या 2000 ग्राम मतलब 2 किलो के आसपास हो जाता है। जब 8वां महीना ख़त्म होता है तो उसका वेट 2 केजी के आसपास हो जाता है। आठवें महीने में माँ को पेट में जलन और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हार्मोन्स माँ को बेबी की डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं, जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, यही हार्मोन गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन को भी रिलैक्स कर देते हैं। इसकी वजह से उसका स्फिंक्टर जो जंक्शन होता है वो लूज हो जाता है और जो स्टमक में जो मौजूद एसिड होता है, फूड जूसेस होते हैं, वो वापस इसोफेगस की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ये एसिड इसोफेगस को इरिटेट करता है, माँ को जलन महसूस होने लगती है। आठवें महीने में बेबी का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि यूट्रस भी पेट के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है। फिर ये डायफ्राम को पुश करता है, तो डायफ्राम भी लंग्स को प्रेशर डालता है, लंग्स पे प्रेशर डालता है तो लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से माँ को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, माँ को फिजिकली डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, माँ को इस समय बहुत थकान महसूस होने लगती है, किसी भी पोजिशन में माँ को आराम नहीं मिलता है। जब वो खड़ी होती है तो उसे चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो बैठती है तो डायफ्राम ऊपर लंग्स को प्रेस करता है तो उसके अपर एब्डोमेन में पेन होने लगता है। अब माँ प्रे करने लगती है कि जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी हो जाए। माँ के शरीर में ब्लड वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, 30-40% तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से पैरों के निचले हिस्से में ब्लड इकट्ठा होने लगता है। आठवें महीने में यूट्रस का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये पेल्विस में पेट के निचले हिस्से में जो नसें होती हैं वेंस को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से नीचे के पैरों के निचले हिस्से में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पूल हो जाता है। इसकी वजह से महिलाओं के पैरों में सूजन हो जाती है, एंकल में सूजन हो जाती है और कुछ महिलाओं में वेरिकोस वेन भी दिखाई देने लगती हैं। आठवें महीने में माँ के ब्रेस्ट से हल्का पानी सा वाटरी डिस्चार्ज निकलने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंगॉर्जमेंट हो जाता है, पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज हल्के पानी जैसे डिस्चार्ज में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आठवें महीने में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस समय बेबी का ब्रेन तेजी से विकास करने लगता है, बेबी का ब्रेन का साइज तेजी से बढ़ता है और इसमें ब्रेन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें बहुत सारे सलकाई और गहराई बनने लगते हैं, जिससे बेबी का ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और नर्व सेल्स जो होती हैं वो बिलियन की संख्या में बनने लगती हैं। नर्व सेल का आपस में कनेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिलियन की संख्या में नर्व सेल बनती हैं और ब्रेन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पांचवें महीने में बेबी की बॉडी पे जो सॉफ्ट हेयर बने थे, जिसे लैनिगो कहते हैं, अब उनका 31 वीक्स पे यानी आठवें महीने पे उनका झड़ना शुरू हो जाता है, उनका संख्या थोड़ी कम हो जाती है। और जब बेबी डिलीवर होता है तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि बेबी के शोल्डर पे और बैक पे कुछ सॉफ्ट हेयर मुलायम से बाल अभी भी रह जाते हैं, जो धीरे धीरे बेबी के जन्म के बाद 4 से 5 महीने में अपने आप झड़ जाते हैं। 31 वीक्स पे बेबी ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्ड करने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में रॉड्स बन जाती हैं और इस समय 31 वीक्स पे बेबी की आंखों में रॉड्स की नंबर्स कोन्स से ज़्यादा होते हैं और रॉड्स ब्राइट लाइट को आइडेंटिफाई करता है और जबकि कोन्स डार्कनेस के लिए को आइडेंटिफाई करते हैं। बेबी की बोन्स मजबूत होने लगती हैं और उसमें बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन्स धीरे धीरे हार्ड होने लगती हैं। इससे पहले बोन्स मुलायम होती थी, लेकिन अब इनमें जब डेंसिटी बढ़ती है तो ये बोन धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती हैं। बेबी की मसल्स भी स्ट्रांग होने लगती हैं, मसल्स में फाइबर बन जाते हैं, टेंडन बन जाते हैं, तो बेबी की जो किक होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। हालांकि इस समय बेबी के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि पेट में स्पेस ही नहीं होता है यूट्रस, क्योंकि बेबी का साइज़ तो बड़ा हो जाता है और तो बेबी अपने आप पूरा 360 डिग्री पे नहीं घूम सकता, लेकिन बेबी के मूवमेंट कम हो जाते हैं, लेकिन जो किक होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बेबी की बोन्स और मसल्स इस समय स्ट्रांग हो जाती हैं। बोन मैरो में आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स बनने लगती हैं। बोन मैरो क्या होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, बेबी की लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि फीमर, टीबिया, फिब्रुला, इसके एंड्स पे बोन मैरो होती है, जो बेबी की ब्लड सेल्स आरबीसी बनाना शुरू कर देती है।
आठवें महीने में 31 वीक से 33 वीक्स के बीच में अगर होने वाला बेबी लड़का है तो उसके टेस्टिस एब्डोमेन से, पहले बेबी के टेस्टिस या बॉल एब्डोमेन में होते हैं, वो डिसेंट होके नीचे स्कोटम में आ जाते हैं। 8.5 महीने तक 33 वीक्स तक ये टेस्टिस डिसेंड होके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे यानी स्कोटम में आ जाते हैं। बेबी की स्किन में मेलानोसाइट नाम की सेल्स बनने लगती हैं और बेबी की स्किन में कलर आने लगता है, क्योंकि मेलानिन ही जो पिगमेंट है जो कि बेबी की स्किन का कलर डिसाइड करता है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।